पिछले क्लास में जहां तक दूसरा जो बंदा है एमजी के साथ एक है ना, एमजी तो डाइवेलेंट है, एमजी पे 2+ चार्ज है, एच निकाल लिया आरएच बन गया, ओएच बचा, ओएच किसके साथ जुड़ जाएगा, एमजी के साथ, एमजी तो डाइवेलेंट है ना, एमजी 2+ है। अरे महाराज एमजी एक्चुअली 2+ है ना, उसके सामने एक तो एक्स माइनस पहले से ही और एक अभी अभी ओएच माइनस आया, तो दोनों के साथ बॉन्डिंग बना लो, 2+2-। वो एमजी के साथ जुड़ेगा। तो ROH या RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, अगर इसके सामने अमोनिया भी आ जाए तो क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। प्राइमरी अमीन के बारे में बता दिए थे, यहां से भी H+ लेके RH बना लेगा। R पे माइनस होता है हमेशा एसिडिक H को लेकर RH, दिस प्लस अमाइड RC डबल बॉन्डेड ONH2, यहां से भी RH बनाएगा, H+ ले लिया और साथ में क्या बच जाएगा, MG के साथ X और यहां पर NHC डबल बॉन्डेड OR, एक H निकल गया था NH-, NH- जाकर MG के साथ जुड़ गया। खैर ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सिमिलरली दिस प्लस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड OH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ गेन किया, यहां पर भी RH बन जाएगा, साथ में MG के साथ एक X है और साथ में OC डबल बॉन्डेड OR। क्लियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस RC डबल बॉन्डेड O, CH2C डबल बॉन्डेड OR, इसे बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन। जब CH2 के दोनों तरफ कार्बोनिल हो वो मिथिलीन कहलाता है एक्टिव मिथिलीन। इट इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है ये हाइड्रोजन, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर यहां आया H+ गेन किया, यहां भी RH बना लिया, जहां भी एसिडिक H मिल जाए इट विल फॉर्म RH। जैसे मान लो हम तुमसे बोले PHMGBr के सामने वाटर आएगा तो क्या बन जाएगा, PHH दैट इज बेंजीन, PH-H+ गेन कर लेगा बन जाएगा बेंजीन। समझ में आ रहा, मान लो बोले कि CH3MgBr के सामने अगर कोई अल्कोहल आ जाए तो CH3- है, हमेशा R पे माइनस चार्ज, R माइनस वाला H+ गेन करके क्या बना लेगा यहाँ मिथेन, और Mg के साथ X रहेगा साथ में OR रहेगा, मिथेन बन गया। RH अल्केन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R कुछ भी हो ETMgBr प्लस वाटर ETH मतलब कि प्रोपेन CH3। क्लियर, एसिड बेस रिएक्शन, एमजी तो होता ही है, मैग्नीशियम का ही ऑर्गेनोमेटेलिक है ये, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल कोई भी हो एमजी का होना जरूरी है तब जाकर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक तो बहुत सारे होते हैं, RLI, RNA, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक है, अगर इसके सामने भी वाटर अगर आएगा ना तो R पे माइनस चार्ज है LI पे प्लस चार्ज है, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक हम लोग पढ़ेंगे, यहां भी RH बन जाता है ये, लेकिन ग्रिग्नार्ड नहीं है, ग्रिग्नार्ड कहलाएगा RMGX टाइप का, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने अगर कोई भी एसिडिक सब्सटेंस आया तो उस एसिडिक सब्सटेंस से वो H+ गेन करके बना लेगा RH। क्लियर, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 900 शो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आके एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, उसी की जगह पे खुद को जोड़ लेगा। अगर RMGX आया किसी RX के पास, X यहां पर फ्लोरीन नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो आसानी से नहीं टूटता, या RCl, RBr, RI कोई भी हो, लेकिन अप टू 2 डिग्री माने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है
अल्काइल हैलाइड के सामने आया, आर माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये आकर आर पे अटैक मारेगा एक्स बार, अल्टीमेटली क्या मिला हमें, आर बॉन्डेड टू आर प्लस एम जी एच टू। आर बॉन्डेड टू आर भी क्या है, अल्केन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम बोले पी एच एम जी बी आर को ट्रीट कर दिए सी एच थ्री सी एल के साथ, पी एच एम जी बी आर प्लस सी एच थ्री सी एल, यहां पी एच पे माइनस है, आकर कार्बन पे अटैक करा सी एल बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बन जाएगा पी एच बॉन्डेड टू सी एच थ्री, या ऐसे समझो बेंजीन पे लग गया सी एच थ्री, आंसर आर बॉन्डेड टू आर। यहां लेकिन होना चाहिए या तो वन डिग्री वाला, या तो टू डिग्री वाला, या तो जीरो डिग्री वाला, तीन डिग्री वाला नहीं, तीन डिग्री वाले के पे अटैक नहीं होता, स्टेरिकली हिंडर्ड। तो अप टू टू डिग्री अल्काइल हैलाइड के सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए तो हमेशा आर बॉन्डेड टू आर प्राइम टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, समझ में आ रहा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। चलो अब अगला रिएक्शन शुरू करने के पहले, अब से रेगुलर रहना भाई सब लोग, भगाने का ऑर्डर आया है, हम आज भगाए नहीं, भगाने का ऑर्डर मतलब जो डिस्कशन में या जो लेक्चर में मिस कर रहा, जो सीरियस नहीं है उसको भगाइए, तो आज भर हम छोड़ दे रहे, लेकिन अब से रेगुलर रहना है। अगला रिएक्शन शुरू करने के पहले एक बहुत छोटा सा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम बताने जा रहे हैं आपको, ऑन अ पाई बॉन्ड एडिशन हैपन्स, ऑन अ पाई बॉन्ड एडिशन हैपन्स, जिसे हम लोग जानते हैं कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, खैर पाई बॉन्ड पे एडिशन होता है, दो चीज जाकर पाई बॉन्ड पे जुड़ जाता है और वो पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड है मतलब कि वो होगा एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड एंड द मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, पाई बॉन्ड सिस्टम जो होता है वो प्लेनर सिस्टम होता है, ठीक। मान लो इस पाई बॉन्ड पे हम एक रिएजेंट ऐड कर रहे हैं एक्स बॉन्डेड टू एक्स, एक्स बॉन्डेड टू एक्स कोई भी एक रिएजेंट है, ये जाकर पाई बॉन्ड पे जुड़ने वाला है, तो ये पाई बॉन्ड पे जुड़ना दो तरीके से हो सकता है, या तो एक एक्स ऊपर से आके जुड़ा और एक एक्स नीचे से आके जुड़ा, प्लेन है ना, तो एक एक्स नीचे से आकर जुड़ा है, एक एक्स ऊपर से आके जुड़ा है, ऐसे आकर जुड़ना, समझ में आ रहा है, ऐसे जुड़ने को अपोजिट साइड से, मतलब एक एक्स आया मान ले ऊपर से और दूसरा एक्स आया मान लो नीचे से, ऐसे एडिशन को हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन प्रोसेस, ऐसे एडिशन को हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन प्रोसेस, अपोजिट साइड से ऐड हुआ, दोनों अपोजिट साइड से आके पाई बॉन्ड पे जुड़ा, एंटी एडिशन प्रोसेस, समझ में आ रहा, तो ये एक तरीका हो सकता है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ये तो हम 50% चांस बताए, 50% प्रोबेबिलिटी, और अगला 50% क्या था, ये एक्स नीचे से आता और ये एक्स ऊपर से आता तो वो भी एंटी एडिशन ही कहलाता। जब दो चीज पाई बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन से आकर जुड़े, एक ऊपर से और एक नीचे से, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन प्रोसेस, बात समझ में आ रहा है। सेम वे अगर मान लो एक अल्कीन है और अल्कीन पे मान लो कोई वाई बॉन्डेड टू वाई है रिएजेंट, ये आकर जुड़ रहा है, ये भी हो सकता है कि ये अगर अल्कीन है तो दोनों वाई ऊपर से ही आया या दोनों वाई नीचे से ही आया, माने दोनों के दोनों सेम साइड से आए, अगर दोनों के दोनों सेम साइड से आया जैसे ये ऐसे अगर आकर जुड़ा वाई 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 दोनों ऊपर से या दोनों नीचे से, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन प्रोसेस, ऐसे को बोला जाता है सिन एडिशन प्रोसेस। तो जो हम ड्रॉ किए हैं वो भी 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% चांस है कि यार दोनों ऊपर से आकर जुड़ा और अनदर 50% चांस है कि दोनों के दोनों नीचे से भी आकर जुड़े, यस और नो, ठीक। अब देखो हम लोग बेसिकली एडिशन ऑन अल्कीन देख रहे हैं, तो दो तरह से एडिशन हो सकता है, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन,
नहीं, एक रिएजेंट एक पर्टिकुलर टाइप का ही ऑडिशन शो करता है। देखिए, मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं सिन एडिशन ऑन अल्कीन, सिन एडिशन ऑन अल्कीन, अल्कीन के ऊपर सिन एडिशन। तो ध्यान दो, अल्कीन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन। ऐसा भी अल्कीन हो सकता है यार जो जीआई शो नहीं करता है कि नहीं, लेकिन ऐसे भी अल्कीन हो सकते हैं जो जीआई शो कर सकते हो। तो हम लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अभी फिलहाल जो जीआई शो कर सकते हैं। सिस वाला अलग है और ट्रांस वाला अलग है। ठीक, मान लो एक सिस अल्कीन हम लिए, सिस अल्कीन, दोनों मिथाइल सेंसाइड, दोनों एचसेंसाइड, लेट अस कंसिडर अ सिस अल्कीन। सिस अल्कीन के पास एक रिएजेंट आया वाई वाई जो कि सिन तरीके से ऐड होने वाला है, सिन तरीके से ऐड होने वाला है, मतलब कि एक वाई आया ऊपर से, दूसरा वाई भी आया ऊपर से ही कार्बन पे जुड़ने के लिए। खुद सोचो, जैसे ही ये कार्बन पे जुड़ेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर ये वाई अगर आकर जुड़ा, ऐसे समझना आकर ऊपर से कोलाइड किया, तो ये जो दोनों बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड है वो नीचे की ओर जाएंगे, और जो बॉन्ड पहले से ही नीचे की ओर है वो नीचे की ओर ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आकर जुड़ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए बॉन्ड एंगल 109 करेगा कि नहीं करेगा? 109 करने के चक्कर में क्या होगा कि ये नीचे की ओर जाएगा। मान लो दोनों जुड़ गया, तो सबसे पहला काम क्या करना, एक वाई आकर जुड़ा ऊपर से, दूसरा वाई भी आकर जुड़ा है ऊपर से। ध्यान देना, ऊपर से ही तो आकर जुड़े, ये बॉन्ड चला गया नीचे, ये भी बॉन्ड चला गया नीचे, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया एच, और ये तो खैर पहले से ही नीचे था, ये मिथाइल हो गया, ये एच हो गया। देखो सहर्ष प्रोजेक्शन बन गया। अगर दोनों ऊपर से आए या दोनों नीचे से आए तो पहले उनको जोड़ देना, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, वर्टिकली जोड़ देना, और उसके बाद सहर्ष बना देना, उसके बाद सहर्ष बना देना। अब इस सहर्ष तुम खुद देखो, जैसे ही वाई आकर जुड़ा, यहां भी कायरल सेंटर, यहां भी कायरल सेंटर, कायरल सेंटर बन चुका है एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं कि हर कॉन्फ़िगरेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन वाला कायरल सेंटर बन गया। अब इससे हम बना रहे हैं फिशर। फिशर बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि दोनों मिथाइल वर्टिकल लाइन पर रहे, हम चाह रहे हैं कि दोनों मिथाइल वर्टिकल लाइन पर रहे, तो ये मिथाइल को घुमा के लाएंगे नीचे, ये भी मिथाइल को घुमा के लाएंगे नीचे, कार्बन कार्बन का रोटेशन करके, ये नहीं कि चेंज करके, इस कार्बन को घुमाओ, इस कार्बन को भी घुमाओ, ताकि दोनों मिथाइल नीचे आ जाए। ये मिथाइल अगर नीचे आ गया तो इधर वाई हो जाएगा और इधर एच हो जाएगा, ये मिथाइल अगर नीचे आ गया तो ये वाई हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, होगा ना? समझ में आ रहा है? अगेन कायरल सेंटर, कायरल दोनों सेम मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल का रोटेशन करके हम लाए हैं। इसका फिशर कैसा बनेगा, फिशर दो इंटरसेक्शन क्रिएट किए, ये मिथाइल बिलो द प्लेन, ये भी मिथाइल बिलो द प्लेन, CH3 YH, ये कंपाउंड मिला, और ये कंपाउंड हमको क्लियरली देख के समझ में आ रहा है, इट इज लाइक एरिथ्रो। एरिथ्रो के बारे में क्या बोले थे, सेम साइड, टी फॉर ट्रांस, टी फॉर थ्रीओ, थ्रीओ में ऑपोजिट और एरिथ्रो में सेम साइड, बट इसे हम एरिथ्रो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ये मीजो है। खैर, मीजो इज अ स्पेशल केस ऑफ एरिथ्रो। शुरू में सोचो, अगर ये R1 होता, अगर ये R1 होता, ये R2 होता, तो तुमको फाइनली क्या मिलता, R1 इधर मिलता और R2 इधर मिलता, मिलता ना भाई? जब R1 R2 अलग अलग होते तब तो एरिथ्रो बोलते इसे, तब तो एरिथ्रो बोलते है कि नहीं? अगर R1 R2 बराबर हो गया तो उसी को हम लोग क्या नाम दे दिए, मीजो फॉर्म, वी आर गेटिंग मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, या इन जनरल वी आर गेटिंग एरिथ्रो फॉर्म।
लेकिन ध्यान रखना, चूंकि ये 50% प्रोबेबिलिटी का नतीजा है इसलिए ये मिलेगा 50%। दूसरा 50% क्या हो सकता था? दूसरा 50% ये हो सकता था कि ये सिस अल्पीन पे दोनों वाई आने का तरीका, दोनों नीचे से, वाई नीचे से आया, ये भी वाई नीचे से आया, अगर अटैक किया तो क्या बन गया? देख, दोनों वाई को नीचे से कर जोड़ दो, अगर ये दोनों ऊपर है तो ये दोनों ऊपर ही रहेगा। समझ में आ रहा? क्लियर है? ये अगर दोनों नीचे हैं तो इसके आने से दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ऊपर की ओर CH3H। अब इसको घुमाओ, घुमा के मिथाइल को नीचे लेके आ। अगर हम इसको घुमा के मिथाइल को नीचे लेके आए, यहां H आ गया, यहां Y आ गया, इस मिथाइल को घुमा के नीचे लेके आए तो मिथाइल इधर आ गया, H इधर आ गया, Y इधर आ गया। अब इसका फिशर बनाए, फिशर कैसा बन रहा है? CH3 HY कायरल सेंटर। फिलहाल ये भी क्या है? मीजोई है। अगर ये R1 होता और R2 होता तो इसे भी बोलते हैं हम क्या? एरिथ्रो फॉर्म है कि नहीं? गौर से देखो, ये भी 50%, ये भी 50%, और एक दूसरे का मिरर इमेज, दैट मीन्स दे आर इनेंशियोमर, दैट मीन्स दे आर इनेंशियोमर। तब बोलेंगे जब R1 R2 अलग अलग हो। अगर पहला मीजो निकल गया तो मीजो का मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होता है, मीजो का मिरर इमेज हमेशा। अगर मीजो बन रहा है तो सिर्फ मीजो लिखेंगे, अगर R1 R2 अलग अलग होता तो क्या लिखते? एरिथ्रो इनेंशियोमर इन जनरल कैन बी मीजो। तो हम लोग एक रूल बनाए कि सिस अल्कीन के ऊपर जब भी सिन एडिशन होगा एरिथ्रो इनेंशियोमर्स ही मिलेंगे। जुड़ने का तरीका अगर फिक्स हो गया तो मॉलिक्यूल मिलने का तरीका भी तो फिक्स हो गया। ऐसा थोड़ी है कि हमको यहां पर सारे स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे, नहीं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल जुड़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट तैयार कर दिए, तो क्या इसके साथ थ्रियो मिलेगा? नेवर। सिस अल्कीन पे सिन एडिशन ऑलवेज गिव्स एरिथ्रो इनेंशियोमर एज वेल एज इफ R1 R2 इज सेम या इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कम्स देन वी विल गेट ओनली वन मीजो कंपाउंड। सेंटेंस में नोट कर लो, बिल्कुल रेसमिक मिक्सचर। अगर R1 R2 अलग अलग है तो एरिथ्रो इनेंशियोमर हो गया, 50-50% ईच हो गया, इसलिए एरिथ्रो इनेंशियोमर और एरिथ्रो इनेंशियोमर होता है मीजोफॉर। वही चीज देखो, अगर ये ट्रांसल्किन पे सिन एडिशन होता तो क्या मिलता? मान लो हम लिए, चल अब हम ले रहे R1 R2, R1 C डबल बॉन्डेड C H R2 H, इसके पास आया XX, और मान लो ये XX एंटी एडिशन करने वाला है, मान लो ये XX एंटी एडिशन करने वाला है, एंटी एडिशन का मतलब एक एक्स अगर आ रहा है नीचे से तो दूसरा एक्स कहां से आएगा? ऊपर से। ठीक है भाई, एंटी एडिशन के बाद एक एक्स को ऊपर से जोड़ दो और एक एक्स को नीचे से जोड़ दो, पहले तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन। उसके बाद जैसे ही एक्स आया तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे? नीचे की ओर गए होंगे, इधर R1 हो गया, इधर H हो गया, और ये हो गया H ऊपर और इधर R2 ऊपर।
अब फिशर बनाने के लिए R1 R2 को नीचे लेके आए, घुमाकर नीचे लाओ। अगर R1 नीचे आ गया घूमकर, तो इधर हो जाएगा X और इधर हो जाएगा H। और अगर ये R2 आया घूमकर, R2 अगर आया घूमकर इधर, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ट्रांस प्लस एंटी है ना, ठीक है। एंटी क्यों कर रहे हैं हम? सिन करना है ना, ट्रांस पे सिन करना है, ट्रांस पे। ये तो सिस पे किए थे, ट्रांस पे सिन करो, ट्रांस पे सिन एडिशन। वही वाई वाई अगर आकर सिन एडिशन करता है, एक वाई ऊपर से दूसरा वाई भी ऊपर से, तो क्या बन जाएगा? ये यहां बन जाएगा, दोनों वाई आ गए ऊपर से, जुड़ गए। यहां पर एच, यहां पर R2, यहां पे R1, यहां पर एच, ऐसे बनेगा ना। तो अब हम लोग फिशर बनाए, तो फिशर अगर बनाया जाएगा, R1 को घुमा के लाए नीचे, R1 आया तो इधर आ गया भाई, इधर आ गया H, R2 को नीचे लाए घुमाकर, इधर H हो गया और इधर रिएजेंट Y हो गया। अब अगर इसका फिशर बनाओ, R1 R2 आ गया वर्टिकल लाइन पे, इधर हो गया वाई एच एच वाई, दोनों एच अपोजिट साइड, वाई अपोजिट साइड, कैसा फॉर्म? 3 of 4, 50%। और अगला 50% में आप लोगों को पता है क्या मिलता है? मिरर इमेज। दूसरा 50% अगर किए, सी डबल बॉन्डेड सी एच R2 R1 H, मान लो वाई आकर जुड़ा इधर से और यहां पर वाई आकर जुड़ा है, वो भी नीचे से ही, यहां दोनों को ऊपर से लाके जोड़े थे, यहां दोनों को नीचे से लाके जोड़े, तो ये बन जाएगा वाई वाई एच R2 R1 H। इसे भी घुमा कर लाओ R1 R2 को नीचे, R1 अगर आ गया घूमकर, H यहां पर, Y यहां पर, R2 को घुमा के लाए, R2 देन Y यहां पर, H यहां पर, इसका फिशर कैसा बन जाएगा? R1 R2 H Y Y H, जो कि इसका बिल्कुल मिरर इमेज है कि नहीं? सो वी आर गेटिंग थ्रियो इनैंशियोमर, अगेन रेसिमिक मिक्सचर। यहां R1 R2 अगर बराबर भी हुआ तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ये हमेशा रेसिमिक मिक्सचर ही देगा। तो ट्रांस के ऊपर जब सिन एडिशन होता है, तो थ्रियो इनैंशियोमर्स मिलते, सिस के ऊपर सिन एडिशन एरिथ्रो इनैंशियोमर्स। क्लियर? तो ये रूल की तरह याद रखना है, अगर इक्वल रहा तो ओनली वन प्रोडक्ट मिजो, थ्रियो एरिथ्रो इनैंशियोमर्स रेसमिक मिक्सचर। सेम तरीका से दो और बताएंगे, एंटी वाला भी यहीं पर देख लो। एंटी एडिशन अगर हुआ तो क्या होगा? रूल बिल्कुल उलट जाएगा। मान लो सिस अल्किन, R1 सी डबल बॉन्डेड सी R2 एच एच, ये हुआ सिस अल्किन के सामने आया एक्स एक्स, मान लो ये एंटी एडिशन करता है, तो सिस पे एंटी हुआ तो क्या मिलेगा? एंटी का मतलब एक एक्स ऊपर से आया तो एक एक्स नीचे से आया, पहले एक एक्स को ऊपर से जोड़ दो, एक एक्स को नीचे से जोड़ दो, उसके बाद सहर्स कंप्लीट कर लो। यहां पर R1 H, यहां पर R2 H, R1 R2 को घुमाकर नीचे लेके आ,
अगर इधर आर वन आया एक्स एच, इधर आर टू आया एच एक्स, क्लियर। उसके बाद जब हम लोग इसका फिशर बनाए तो आर वन आर टू एक्स एच एच एक्स, दोनों एच अपोजिट साइड, क्या मिलेगा? थ्रियो इनैंशियोमर रेसमिक मिक्सचर। सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो इनैंशियोमर देता है। उल्टा हो गया ना, सिस पे सिन एरिथ्रो देता था, इन सिस पे एंटी थ्रियो देगा, क्लियर। और सेम वे जब आप ट्रांस पे एंटी करोगे, सी डबल बॉन्डेड आर वन एच एच आर टू पे अगर आया एक्स एक्स, एक एक्स आया ऊपर से मान लो, एक एक्स आया नीचे से, यहां पर दो एक्स को पहले से आप लगा दीजिए ऐसे ऊपर नीचे, यहां आर वन एच एच आर टू, अब ये आर वन आर टू को घुमा कर ले आओ वर्टिकल लाइन पे, अगर आर वन नीचे आया तो एक्स इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, अगर ये आर टू घूमकर नीचे आया फिर एक्स इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, फिशर बनाया जाए, फिशर बनाओगे तो आर वन आर टू एक्स एच दोनों एच सेम साइड, क्या मिला? एरिथ्रो इनैंशियोमर। मे गेट मीजो, मे क्यों लगा रहे? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आया तो मीजो भी मिल सकता है। तो यही चार रूल आपको मेमोराइज कर लेना है, चारों रूल मैं अलग से लिखा दूंगा, पहले ये कॉपी कर लो। क्या दोनों ही एंटी है? तरीका में कहां अंतर हुआ? एक सिस पे एंटी कराए और एक ट्रांस पे एंटी कराए, यही अंतर हो गया। अब देखो ये चारों को याद रखने का तरीका क्या है। एक हमेशा याद रखना, कौन सा? कि सिस अल्किन पे जब सिन एडिशन होगा तो हमें मिलेगा एरिथ्रो इनैंशियोमर, और वी मे गेट मीजो। एरिथ्रो जहां भी लिखो वी मे गेट मीजो, चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो मीजो ओनली वन कंपाउंड, हमारे रेसमिक मत बोल देना। अब ये याद रखना बहुत आसान है, कैसे? सिस का मतलब सेम साइड, सिन का भी मतलब सेम साइड, और एरिथ्रो का मतलब भी सेम साइड, हो गया ना यार? सिस प्लस सिन एरिथ्रो, तीनों वर्ड का मीनिंग सेम। अब इसके बाद क्या करना कि कोई दो वर्ड को अपोजिट कर देना, तीसरे को वैसे ही छोड़ देना। क्या करना है? कोई दो वर्ड का ऑपोजिट लिखना है और तीसरे को छोड़ देना है। जैसे सिस का लिख दिए हम ट्रांस, एरिथ्रो का लिख दिए हम थ्रियो, एक को छोड़ दो, सिन का सिन रहने दो। बन गया अगला रूल कि ट्रांस पे जब सिन एडिशन होता है तो वो थ्रियो इनैंशियोमर देता है, और हमेशा क्या मिलेगा? रेसमिक। यहां एरिथ्रो इनैंशियोमर मिला तो रेसमिक, लेकिन अगर मीजो अगर बन गया तो ओनली वन प्रोडक्ट। फिर इसी को, यही मेन है। फिर यहां पे देख, हम सिस को सिसी रहने दिए, तो जब सिस को सिसी रहने दिए हो बाकी दो को अपोजिट करो। सिन का अपोजिट क्या? एंटी। एरिथ्रो का अपोजिट क्या? थ्रियो। रेसमिक, सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो देता है, है कि नहीं? और उसके बाद हम क्या किए कि सिस को कर दिए ट्रांस, सिन को कर दिए एंटी। जब ये दोनों को चेंज कर दिए, इसे छोड़ दो, दैट इज एरिथ्रो। यही चार रूल है।
सिस पे सिन एडिशन, सिस पे एंटी एडिशन, ट्रांस पे सिन एडिशन, ट्रांस पे एंटी एडिशन। फिलहाल अपने टॉपिक के लिए जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, उसमें ये दोनों सिन वाला जरूर याद रखना, क्योंकि अगला जो रिएक्शन आएगा इट विल बी अ सिन एडिशन प्रोसेस। और सिन हो गया तो आपको ध्यान रखते हुए थ्रियो एरिथ्रो बनाना है। अगला रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोला जाता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ना, धीरे धीरे नोट करते हो तुम है? एक बार देखोगे, एक बार सुनोगे, तीसरी बार समझोगे। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का रिएजेंट, रिएजेंट हाइड्रोजन गैस टेकन अलॉन्ग विथ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम हीट। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन को हम लोग इसी रिएजेंट से पहचानते हैं, जहां हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम देखो वो सब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन जो आप लोग जीओसी में पढ़े थे, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक्सोथर्मिक होता है, जो लेस स्टेबल अल्कीन होता है, जो जल्दी हाइड्रोजनेट हो जाता, HOH और स्टेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड, ये सब पढ़े थे ना जीओसी में। खैर, रिएजेंट इज हाइड्रोजन गैस टेकन इन अ टेकन विथ अ मेटल सरफेस लाइक निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, और साथ में हम लोग हीटिंग करते हैं। हाइड्रोजन गैस बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्वांटिटी में होता है, सिर्फ H2 लिखा हुआ है मतलब हमेशा एक्सेस मानना। अगर H2 के साथ ब्रैकेट में लिख दिया एक मोल, एक इक्वलेंट, तब जाके एक मोल या एक इक्वलेंट माना जाएगा। कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब कि हाइड्रोजन गैस विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एक्सेस। पहला पॉइंट, इट हैपन्स एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जनरली हैपन्स ऑन अल्कीन एंड अल्काइन। जनरली हैपन्स ऑन अल्कीन एंड अल्काइन, लेकिन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बहुत सारे अलग पाई बॉन्ड को भी हाइड्रोजनेट करेगा, वो हम लास्ट में लिखा देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है जनरली अल्कीन और अल्काइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्कीन अल्काइन से अल्केन बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? अल्कीन और अल्काइन गिव्स अल्केन एज द प्रोडक्ट। अल्केन एज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। चलो हम ये वर्ड पहली बार लिख रहे हैं इसलिए पूरा लिख दे रहे, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस। और ध्यान रखना इतना हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे शॉर्ट में लिखेंगे आप MCTS, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस होता है। फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस होता है। कैन बी समटाइम्स सिक्स MCTS ऑल्सो। कैन बी समटाइम्स सिक्स MCTS, छह मेंबर का भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकता है। व्हाट इज अ ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हैपन्स साइमल्टेनियसली।
ऐसा स्टेट जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना सब एक साथ चल रहा है, वैसे स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाते हैं। कुछ कुछ रिएक्शंस में, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में कॉमनली 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, लेकिन कभी कभी 6 मेंबर का भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पाया जाता है। आखिर होता क्या है, मान लो कोई अल्कीन है CH2 डबल बॉन्डेड CH2, अगर इसको ट्रीट कर दो H2/Ni हीट, ये बन जाएगा CH3CH3, हाइड्रोजन ही तो देना है। अगर कोई अल्काइन हो HC(CH), अगर उसको ट्रीट कर दिए सेम रिएजेंट के साथ, ये भी बन जाएगा CH3CH3, हाइड्रोजनेशन। बट अल्काइन ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इंटू अल्कीन, देन अल्कीन गेट्स कन्वर्टेड इंटू अल्केन। चूंकि हम एक्सेस में हाइड्रोजन गैस लिए हैं इसलिए अल्केन तक लिख दिए, लेकिन यहां लिख देता H2 का 1 मोल अल्काइन को अल्कीन बना के छोड़ देते। समझ में आ रहा है, अल्काइन से अल्केन हमेशा अल्कीन के थ्रू ही आगे बढ़ता है। अब देखो, कोई भी साइक्लोहेक्सीन पे हाइड्रोजन दे दो, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन Ni हीट। इंटरमीडिएट बनता ही नहीं, सीधे रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट वाया ट्रांजिशन स्टेट। अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो यहां इंटरमीडिएट क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट तो वहां बनता है जहां सिचुएशन कुछ ऐसा हो। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये दोनों इंटरमीडिएट और 3 ट्रांजिशन स्टेट। बकाओ मत है, द मेटल यूज्ड एक्ट्स एज अ सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जानते, किसी सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल का आकर चिपक जाना, किसी आयन का आकर चिपक जाना, सरफेस फिनोमिनन होता है, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा, तो किसी गैस के एटम या मॉलिक्यूल का आकर सरफेस पे कलेक्ट हो जाना, एडजॉर्प्शन। इंक का वाटर का सोल्यूशन है, उसमें चारकोल डाल दो, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, पूरा इंक आकर चारकोल पे चिपक जाता है। समझना, एडजॉर्प्शन, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, एडजॉर्प्शन। जो मेटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन के लिए काम आता है। मान लो ये मेटल का सरफेस है, मेटल निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो यूज कर रहे हो, जब इसको हाइड्रोजन गैस के साथ हीट किया जाता है, हीट करने से इसी सरफेस पे हाइड्रोजन के एटम्स इस तरीके से आकर एडजॉर्ब हो जाते हैं। हालांकि इनमें पार्शियल बॉन्ड है, H भी एडजॉर्ब हो गया, इधर भी H भी एडजॉर्ब हो गया, इसे भी पार्शियल पाई, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एडजॉर्प्शन के कारण इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सरफेस। इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सरफेस। अल्कीन एंड अल्काइन ऑल्सो गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस, ऑल्सो गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। अरे जब दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तब तो रिएक्शन होगा, ऐसा थोड़ी है कि अल्कीन लिए और पाइप से हाइड्रोजन गैस भेज दिए, रिएक्शन थोड़ी होगा। जब अल्कीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तब जाके हाइड्रोजनेशन होगा। तो सरफेस क्या करता है कि अल्कीन को भी एड्सॉर्ब करता है, हाइड्रोजन को भी एड्सॉर्ब करता है। एक तरह से सरफेस का रोल क्या है, अल्कीन और हाइड्रोजन को जल्दी कॉन्टैक्ट में लाना।
इट बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट. दैट सर्फेस बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट. इट ब्रिंग्स द अल्कीन अल्काइन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फास्टर. देयरफॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन हैपेंस फास्टर. बिना कैटलिस्ट का भी होगा लेकिन रेट बहुत स्लो होगा. दोनों एड्सॉर्ब हुए. क्या क्या सरफेस पे कॉन्टैक्ट में आए वहां पे अल्किन नहीं बनता. क्या नहीं बनेगा अल्किन? अल्किन के थ्रू ही तो अल्केन जाएगा. सरफेस पे अल्किन बना तो अल्किन भी आगे हाइड्रोजनेट होके अल्केन में चला जाएगा. कॉपी कर लिए. उसको कहते हैं एक्टिव सरफेस. नाउ व्हेन एक्टिव सरफेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ और अल्काइन देन डिसॉर्प्शन हैपन्स. एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन. कुछ ऐसे ध्यान दो. मान लो मैं अल्किन लिए R1CH डबल बॉन्डेड CHR2 और इस अल्किन के सामने ये सरफेस आ गया जहां पर हाइड्रोजन के एटम्स एड्सॉर्ब थे. इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड था. यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है. ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक करता है. ये हाइड्रोजन इधर गेन होता है, ये हाइड्रोजन इधर गेन होता है. खैर ट्रांजिशन स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा R1CH CHR2 यहां भी पार्शियल पाई. धीरे धीरे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, धीरे धीरे ये भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ये दोनों के बीच में भी पार्शियल पाई था. इसी को कहते हैं चार मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 4MCTS. बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना सब एक साथ ट्रांजिशन स्टेट. कोई कार्बोकटायन कार्बन आयन या इंटरमीडिएट नहीं बनता. बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना सब एक साथ चार मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक इसी के बाद ये क्या बन जाएगा? R1CH2CH2R2 फाइनल आंसर. क्लियर? वो आगे आएंगे. बोल तो रहे हैं आपका बकाना नहीं है. पहले जो हम समझा रहे हैं वो समझ लिखे हैं तो हम बताएंगे. चार समझ में आया? अल्किन से अल्केन कैसे बन रहा समझ में आया? ठीक है. एच बॉन्ड नहीं, एड्सॉर्प्शन किए हीट कर रहे हैं तो ये भी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है ना, इस कारण पार्शियल. एचआर नहीं नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है, वो एड्सॉर्प्शन है. वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड भी तो अट्रैक्शन ही होता है. बॉन्ड क्या प्लास्टिक का बना होता है? बॉन्ड क्या होता है? अरे यार वो अट्रैक्टिव फोर्स ही तो है. दो एटम के बीच में बॉन्ड है मतलब इट इज सब्जेक्टेड टू अट्रैक्टिव फोर्स. दैट इज अ फोर्स. क्लियर? ध्यान देना. इस पाई बॉन्ड पे दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल सेम साइड से आकर जुड़ा. देयरफॉर इट इज अ सिन एडिशन प्रोसेस. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन प्रोसेस. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन प्रोसेस. क्लियर दिख रहा है यार? अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही आएगा ना. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक नीचे से और एक ऊपर से आए.
दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाकर पाई बॉन्ड पे जुड़ा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन प्रोसेस। मान लो तुमसे हम बोले कि अरे ये मॉलिक्यूल है और इसको हम दे दिए H2NI, प्रोडक्ट लिखो। तो सबसे पहले हम पहचाने कैसा अल्किन दिया है, सिस। सिस पे सिन एडिशन क्या देगा, सिस पे सिन एडिशन क्या देगा, लिखा नहीं है मिट गया। सिस पे सिन क्या देगा, एरिथ्रो। ये दोनों मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल को लेके वर्टिकल लाइन दो इंटरसेक्शन बना देना ये दो कार्बन के लिए, एक एच आकर यहां जुड़ेगा, एक एच आकर यहां जुड़ेगा, लेकिन एरिथ्रो बनाना है। आंसर लिखे HCl, HCl, तुरंत चेक किए प्लेन ऑफ सिमेट्री आया क्या, आ गया, मीजो आंसर। अब समझ में आया कैसे लिखना है प्रोडक्ट, समझ में आ रहा कैसे लिखना है प्रोडक्ट, क्लियर है। CH3CD डबल बॉन्डेड CCH3D प्लस H2NI, क्या होगा आंसर। अब कैसा अल्किन हम ले लिए, ट्रांस, ट्रांस पे सिन एडिशन, थ्रियो, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, थ्रियो बनाना है। दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट कर दे, दोनों डी को अपोजिट कर दे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आया क्या, नहीं, मतलब साथ में इसका इमेज भी बनेगा एंड वी विल गेट रेसेमिक। यहां मीजो नहीं मिला, अब सवाल बिल्कुल एक्यूरेट पूछेगा, मीजो की रेसेमिक। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो अगर कोई अल्काइन है, अल्काइन को ट्रीट कर दिए मान ले H2PT हिट, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हाइड्रोजन को कितना मानना है, एक्सेस, एक्सेस मान लिए तो क्या बन गया ये R1CH2CH2R2। लेकिन अगर यही अल्काइन R1C ट्रिपल बॉन्डेड CR2 अगर दिया हुआ है मान ले H2 का एक मोल प्लैटिनम हिट बनाना है ना, ये रिएक्शन कहां जाकर रुकेगा, अल्किन पे रुकेगा, बिल्कुल सही। और हमें यह भी पता है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आकर जुड़ेगा, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आकर अगर जुड़ा है तो हमें सिस अल्किन ही मिलेगा, ट्रांस तो मिलेगा ही नहीं। यह भी एक प्रॉपर्टी हुआ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अगर अल्किन मिल रहा है तो किस टाइप का अल्किन मिलेगा, ओनली सिस, वी कैन नेवर गेट ट्रांस, वी कैन नेवर गेट ट्रांस। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों, ये तो सिन एडिशन है ना, अगर यहां अल्काइन हो मान लो तो दोनों हाइड्रोजन तो आके सेम साइड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड बच जाएगा और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आ जाएंगे और एच सेम साइड में आ गया तो सिस अल्किन ही मिलेगा, ट्रांस तो मिलेगा ही नहीं। क्लियर, क्लियर, ओके। इफ द मेटल सरफेस, इफ द मेटल सरफेस इज पॉलिश्ड बाय ग्रेफाइट देन एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस, which increases the efficiency of the reaction surface phenomenon है। अलग अलग चीज से पॉलिश करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टी, कार्बन ग्रेफाइट से पॉलिश करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, स्मूथ कर देगा तो क्या हो गया, रुखड़ा पे ज्यादा एडजॉर्ब होता है चिकना पे कम एडजॉर्ब होता है, है? फर्श तो बहुत रुखड़ा है, एडजॉर्ब हो गया गैस,
ये मेटल क्यों एब्जॉर्ब करता है? बिकॉज ऑफ देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल का इस्तेमाल कर रहे थे। और खाली डी ऑर्बिटल अगर है ना तो हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है, अल्किन का पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करता है, आयरन पे थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या सॉरी कोई ऐसा मेटल जो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है उस पर थोड़ी ना एब्जॉर्प्शन होगा। किसमें? बेरियम में क्या दिया है? कैटालिटिक सरफेस। बिल्कुल गलत दिया, काट देना, या गलत पढ़े हो, फाड़ के फेंक दो किताब। हाँ सर बोलिए। पॉलिशिंग क्या? रगड़ देना कार्बन ग्रेफाइट के साथ। कार्बन ग्रेफाइट लेके रगड़ दिए सरफेस पे, सरफेस एरिया बढ़ जाता, एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाता, आसानी से हाइड्रोजनेशन हो जाता। इसलिए कभी कभी रिएक्शन में अगर ऐसा देखो तो घबराना मत कि क्या दे दिया सर, एनआई हाइफन सी दे देगा और हीट दे देगा, सेम चीज है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए निकल के सरफेस को हम लोग, कैटालिटिक सरफेस को हम लोग ग्रेफाइट से पॉलिश किए, उससे एफिशिएंसी बढ़ गई है। जितने ग्रुप्स है सब भर जाते। मेटल का सरफेस रफ होता है। अब देखो, इफ द सरफेस इज पॉलिश्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ S8 और आइसो क्विनो लीन, याद रखना है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट से या तो बेरियम सल्फेट से उसको पॉलिश कर दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसेट या आइसोक्विनोलिन, देन एडजॉर्बिंग पावर डिक्रीजेस, द सरफेस एडजॉर्ब लिमिटेड हाइड्रोजन, कम हो गया एडजॉर्ब हाइड्रोजन, एंड कैन एडजॉर्ब ओनली अल्काइन। अल्काइन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दो दो पाई बॉन्ड, तो ऐसा सरफेस सिर्फ अल्काइन को एडजॉर्ब करता है और कुछ हाइड्रोजन को भी एडजॉर्ब करता है। अल्किन डज नॉट गेट एडजॉर्ब ऑन दिस सरफेस, और ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं पॉइजनिंग द कैटलिस्ट, पॉइजन्ड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को पॉइजन्ड कर दिया गया। अगेन बेरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसा प्रॉपर्टी है भाई, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं कि वो किसी को अट्रैक्ट करे, या कैल्शियम कार्बोनेट का सरफेस एडजॉर्प्शन सो ही नहीं करता, बहुत कम करता है, पॉइजनिंग द कैटलिस्ट। अब देख क्या होगा, R1C ट्रिपल बॉन्डेड CR2, अगर अल्काइन एडजॉर्ब हो रहा है तो अल्काइन को तो एडजॉर्ब किया, लिखा हुआ है H2PT CaCO3 S8 और IQ आइसोक्विनोलिन, ठीक, नो डाउट हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब हुआ है कुछ, अल्काइन भी एब्जॉर्ब हुआ है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे और ये पहले तो अल्किन बनेगा, कैसा अल्किन बनेगा, सिस अल्किन बनेगा, और जैसे ही अल्किन बना सरफेस छोड़ के उड़ गया, निकल गया, अल्किन तो एब्जॉर्ब होता ही नहीं ना, अगर सरफेस छोड़ के निकल गया रिएक्शन यही खत्म। सो अगर ऐसा कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए देन अल्काइन ओनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिस अल्किन। यहां लिखे नहीं हम एक मोल दो मोल, अभी भी हाइड्रोजन पूरा लपक के है, लेकिन अब एब्जॉर्बिंग पावर ही कम कर दिए तो रिएक्शन अल्काइन से अल्किन तक जाता है, सिस अल्किन ही बनता है। सिमिलरली
R1C triple bonded CR2 when treated with H2, mal palladium, BSO4, SAT or IQ. It will also give cisalkane, R1CH double bonded CH, R2 cisalkane और ऐसे रिएक्शन को शायद आप ये दिखे होंगे। तो फाड़ के मत फेंकना, सही लिखा हुआ। ये रिएक्शन को बोला जाता है लिंडलार्स रिएक्शन, कैटलिस्ट को बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। साथ में एक और याद रखना कि अगर अल्काइन को अगर हम लोग ले ले हाइड्रोजन के साथ और कैटलिस्ट ले ले Ni2B, इसको बोलते हैं निकल बोराइड, निकल बोराइड, बिल्कुल सेम बिहेवियर। जो BSO4 और CaCO3 काम किया, निकल बोराइड भी वही काम करता है और रिएक्शन को अल्किन तक ही जाकर रोक देता है, सिस अल्किन मिलता है। कैटलिस्ट का असर को कम करना, उसी को पॉइजनिंग द कैटलिस्ट या पॉइजन्ड कैटलिस्ट कहते हैं। क्लियर? ओके। कॉन्जुगेटेड डाइन पे देखो थोड़ा स्पेशल असर, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर इसके सामने अगर ले लिया जाए H2Ni हीट, H2Ni हीट, हाँ यहां जाने के पहले एक और बात, अगर यहां ऐसे लिखा हुआ है अल्किन प्लस कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, नो रिएक्शन, ये तो एड्सॉर्ब ही नहीं हुआ, एड्सॉर्ब ही नहीं हुआ तो अल्किन को ये रिड्यूस नहीं करता। मॉलिक्यूल में अगर अल्किन और अल्काइन दोनों है, अल्किन को छोड़ देना, अल्काइन को अल्किन बना देना, समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन के सामने अगर H2Ni लो, अगर ऐसे लिखा हुआ मतलब हाइड्रोजन एक्सेस में, अगर हाइड्रोजन एक्सेस में मतलब दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजनेट हो जाएगा, N-butane, दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गए N-butane। लेकिन अगर इसके सामने लिया गया हाइड्रोजन का एक इक्वलेंट Ni हीट, तो दिमाग में आता है कि किसी एक को करेगा, एक को तो छोड़ देगा, होगा ना? अब ध्यान दो, CH2 मॉलिक्यूल में पहले से ही रेजोनेंस है, पार्शियल पाई तो पहले से ही है रेजोनेंस के कारण, नीचे आया कैटालिटिक सरफेस, यहां पे एक एच, यहां पे एक एच, इसके बीच में भी पार्शियल बॉन्ड, ये वाला एच यहां गेन होगा, ये वाला एच यहां गेन होगा, और ऐसे केस में ही 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन पाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे केस में ही 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन पाता है। ध्यान रखना, यहां पे जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम साइड हो गए, मतलब यहां का हाइड्रोजन इधर, यहां का हाइड्रोजन इधर होगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। कैसा है कॉन्फ़िगरेशन यहां पर? सिस, ये हाइड्रोजन यहां गेन हो गया, ये हाइड्रोजन यहां गेन हो गया, तो पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा फाइनली? समझ में आ रहा है ना? इसके बाद क्या आंसर लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H, अगर एक इक्वलेंट के साथ ट्रीट करोगे, ये दोनों हटाकर पाई बॉन्ड कहां ला देना? बीच में,
और सबसे बड़ी बात, यहां पर भी हमें सिर्फ शीश मिलेगा, ट्रांस नहीं मिलेगा। CH2 एक H गेन करेगा तो CH3 नहीं बनेगा, रहे कहां जाएगा पाई बॉन्ड। ये अगर H गेन कर लेगा तो CH3 नहीं बनेगा, CH3 बन गया तो सिंगल बॉन्ड, यहां CH3 बन गया तो सिंगल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर? कर लेंगे, कर लेंगे, कुछ तो किए हैं, कितना कर लिए हैं? एक बाकी है, कौन सा बाकी है? एक बाकी है अभी। एक्सरसाइज वन ही हुआ है खाली? नहीं, एक दिन तो और हम आगे बढ़ाए थे डिस्कशन। कर देंगे, डिस्कस कर देंगे, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, वो हम कर देंगे डिस्कस। अब बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन की, माने कौन सा अल्किन जल्दी हाइड्रोजनेट होगा, कौन सा अल्किन देर से हाइड्रोजनेट होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन। हम एक बिल्कुल सिंपल सा GOC में हम लोग पढ़े थे कि सिस अल्किन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, ट्रांस अल्किन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी एनर्जी कम, सिस की एनर्जी ज्यादा। और जब दोनों को एक एक मोल हाइड्रोजन मिल जाता है तो दोनों सेम चीज बनाते हैं N-butane। तो यहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आएगा? कम। यहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आएगा? ज्यादा। ऐसे सोचो, जो एनर्जी में ऊपर है उसका नीचे आने का चाह ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है। जो हायर एनर्जी लेवल पे है मॉलिक्यूल, उसका लोअर एनर्जी लेवल पे आने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका पाई बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो वो नीचे आ पाएगा। यस और नो? सो रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो सबसे कम स्टेबल अल्किन उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। अगर हम बाल लो बोले रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इथीन ग्रेटर देन प्रोपीन ग्रेटर देन 2-butene, बताओ क्यों आ रहा है ऐसे ऑर्डर? अल्किन का स्टेबिलिटी पढ़े हो हाइपर कंजुगेशन में, जिस डबल बॉन्ड के पास जितना ज्यादा अल्फा एच होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। 0 alpha H, 3 alpha H, 6 alpha H, इधर से इधर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन घट रहा है। तो जो सबसे कम स्टेबल अल्किन है वो जल्दी हाइड्रोजनेट होगा। समझ में आ रहा? मान लो तुमको हम यहीं पे एक छोटा सा सवाल दिए, ये अल्किन है, इस पे हम दिए हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट निकल हीट, बता आंसर। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? तब कॉन्जुगेटेड नहीं है तो फिर काय का रूल लगा रहे हो बीच में आएगा डबल बॉन्ड? कॉन्जुगेटेड में लाएंगे ना बीच में डबल बॉन्ड, यहां तो कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, एक मोल है, किसी एक को करना है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्टर, जिसका स्टेबिलिटी कम है उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्टर। इस अल्किन का कितना अल्फा है? 3, 3, 6 और 2, 8। इसका कितना अल्फा है? मात्र 2। लेस स्टेबल, लेस स्टेबल इज मोर रिएक्टिव। आंसर इज समझ में आया? क्लियर है? किसे हाइड्रोजनेट किए और किसे छोड़ दिए, ये समझ में आ रहा? जिसका एनर्जी ज्यादा उसको नीचे आने का टेंडेंसी भी ज्यादा।
उसका रिएक्टिविटी ज्यादा, उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्टेबल है, तो जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्टर। अल्कीन और अल्काइन में किसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्टर होगा? जैसे मान लो RCH डबल बॉन्डेड CH2 और RC ट्रिपल बॉन्डेड CH, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ध्यान रखना अल्काइन का फास्टर देन अल्कीन। कारण अल्काइन में दो दो तरफ मॉलिक्यूल के दोनों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन अल्कीन में किसी एक ही तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। किसका ट्रांजिशन स्टेट बनाने की संभावना ज्यादा है? अरे जिसके तरफ दोनों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और जिसका सिर्फ एक ही तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर जाएगा। ऐसे आया तो ट्रांजिशन स्टेट बनाया नहीं, ऐसे आया तो ट्रांजिशन स्टेट बना लिया। लेकिन अल्कीन का क्या है, कैसे भी आए ट्रांजिशन स्टेट फास्टर। सिंस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड इन अल्काइन, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्स फास्टर। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।